वेस्ट इंडिया रिव्यू चैनल में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं टॉप 5 बेस्ट लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन से इंडिया में है। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इनमें से कौन सा लॉन्गेस्ट ब्रिज आपको बहुत पसंद आता है वो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं नंबर 5। नंबर 5 पर बांड्रा वर्ली सी लिंक। इसकी लंबाई 5.57 किलोमीटर तक का डिस्टेंस आता है। 2000 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरुआत हुई थी और 2010 में इसकी ओपनिंग हुई थी और ये मुंबई में स्थित है और इसका मेंटेनेंस महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन MSRDC करता है। आपको इनमें से कौन सा ब्रिज बहुत पसंद आता है या आपने कौन से ब्रिज से ट्रैवल किया है वो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। नंबर 4। नंबर 4 पर महात्मा गांधी सेतु। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसकी लंबाई 5.75 किलोमीटर तक आती है और इसका कंस्ट्रक्शन 1972 में शुरुआत हुई थी और 1982 में ये महात्मा गांधी सेतु की ओपनिंग हुई थी और ये पटना सिटी बिहार में स्थित है और इसका मेंटेनेंस नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। आपको इनमें से कौन सा लॉन्गेस्ट ब्रिज बहुत पसंद आता है वो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। नंबर 3। नंबर 3 पर दिबंग दिबर ब्रिज। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसका लंबाई 6.2 किलोमीटर तक आती है और इसका कंस्ट्रक्शन 2013 में शुरुआत हुई थी और 2018 में इसकी ओपनिंग हुई थी और ये बोमदिर मलेक एरिया में स्थित है और इसे NH-13 इनका ये हाईवे का ब्रिज है। आपको इनमें से कौन सा ब्रिज बहुत ही पसंद आता है वो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 2। नंबर 2 पर भूपेन हजारिका सेतु। इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर तक है और ये नवंबर 2011 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरुआत हुई थी और 2017 में इसकी ओपनिंग हुई थी। डोला सदिया असम में ये लोकलेट है और इसका मेंटेनेंस मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज करती है। आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 1 पर मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी अटल सेतु। इसका डिस्टेंस 21.8 किलोमीटर तक आता है और 2018 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरुआत हुई थी और 2023 में इसकी ओपनिंग हुई थी और ये मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन से ये ट्रांस हार्बर लिंक ज्वाइन करता है और ये 6 लेन का बहुत ही बड़ा ब्रिज है। आपको इनमें से कौन सा ब्रिज पसंद आता है वो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियोज़।